हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फैसिनेट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैंने 2 से 3 इयर्स बेबी का काफ्तान बनाया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे मेन क्या है कि ये मैंने साड़ी के पल्लू से बनाया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसका लुक कितना अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं बेबी का काफ्तान बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये मैंने साड़ी का पल्लू जो बचा रहता है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका डिज़ाइन देख लीजिए, इस टाइप से है। ये मेरा पल्लू बच गया था, तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो डबल है, ये तो ये 21 है फ्रेंड्स। तो 21 है फ्रेंड्स, तो ये 2 से 3 इयर्स के बेबी को ये तन आ जाएगा। तो अब ये देखिए, और इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, जिसको कि विड्थ बोलते हैं, वो भी मैंने फुल रखनी है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये अगर मैं कट करती हूँ तो इस ये गड़बड़ हो जाएगा। ये नीचे भी वही सेम डिज़ाइन है, और ये देखिए बॉर्डर पर भी सेम डिज़ाइन है, तो इसलिए ये मैं फुल कपड़ा रखूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिए, ये 4 फोल्ड कर लेनी है, और अच्छे से इसको बराबर से बिछा लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले नेक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक के लिए हम इधर से 2 इंच लेंगे, क्योंकि नेक हमें एकदम छोटा ही चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से मैं फ्रंट का जो है 2.5 लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, एक राउंड शेप लगा लेंगे, ये देखिए इस टाइप से लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने नेक लगा लिया है। एक नेक में फ्रेंड्स, ये देखिए 2 इंची पे मार्क करके लगाऊंगी। तो ये मैंने 1.5 पे ही लगाया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बैक नेक है, ये भी देखिए इस साड़ी पे ही लगी हुई थी, यही मैं इसके सेम मैचिंग की हो रही है। तो मैं इसके चारों तरफ ये लेस लगाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं बैक साइड का नेक कटिंग करूंगी, जो कि हमारा 1.5 इंची पे है, ये देखिए फ्रेंड्स। और अब मैं इसको, ये देखिए, इस टाइप से खोल के जो है नेक जो है वो मैं कटिंग कर दूंगी। क्या करना है आपको, ये मेरा उल्टी साइड है, इसको पहले पूरे को फोल्ड कर लेना है, और पूरे पे फोल्ड करके इसको ले, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको एकदम ऐसे बारीक बारीक फोल्ड करेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम किनारे पे इस टाइप से एकदम कोना बनाना है फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए कितने अच्छे से बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चारों तरफ से सिल के, ये देखिए पूरा सिल गया है, 4 साइड सिल गया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, 4 साइड ही मार्जिन रखना है। मार्जिन मतलब जितना कपड़ा इधर दबाना है, उतना ही कपड़ा सेम जगह दबाना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये इसका कोना कैसे बनाना है, कोने में थोड़ा अच्छे से फोल्ड करना है, एकदम लेस का जो कॉर्नर है उसी से फिनिशिंग लुक अच्छा आएगा देखने में। ये देखिए इस टाइप से, फिर हम इसको लेस को इधर से सिल लेंगे, ये देखिए, और इसको भी मैं इस टाइप से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे में लेस लग गई है, ये देखिए। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। इधर मेरा स्टिचिंग नहीं है, की है मैंने,
तो मैं कट लगाऊंगी जिससे कि नेक छोटे बड़े ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सेंटर में एक मार्क करूंगी। वो मैं किसके लिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैं पहले ही इस टाइप से लगाऊंगी और इसका डिज़ाइन मैं ये देखिए इसी से बनाऊंगी। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पहले हम सेंटर में इसको लगा लेंगे, लेस को बनाना है इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर में होना चाहिए, सेंटर वाला पीस। ये देखिए अभी दिखाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा सा लेंगे इस टाइप से। फिर हम इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे फिर से, ये देखिए इस टाइप से। इसको हम बाद में ऐसे डबल सिलाई लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और अब हम इसको स्ट्रेट लगा लेंगे, ये देखिए सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये सीधे साइड लगाऊंगी, पाइपिंग उल्टी साइड रहेगी। ये देखिए और ढीले हाथ से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने फोल्ड किया है, वहाँ से हाफ या 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर कपड़े को कट कर देंगे। हाफ इंच या 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखना, ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा रखना। के जो बैक साइड में है इसको हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, ये वाला हिस्सा बाहर वाला। ये देखिए इस टाइप से हल्का हल्का और इक्वल फोल्ड करना है। इस टाइप से आएगी तो चलिए हम इसको सिलाई कर लेते हैं। ऐसे करना है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी लग के रेडी हो गई है नेक पे। अब हम इसमें इस टाइप से बिछाएंगे और नेक देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से लगा है, बना है। 8 इंच के करीब रखूँगी, ये आ गया हमारा सेम सेम। ये फ्रेंड्स हमारा इलास्टिक का भाग रहेगा। और फ्रेंड अब ये तो मेरा इलास्टिक का एक निशान हो गया है, अब मैं इसकी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ये देखिए 6 रख देती हूँ लेस के साथ में, ये देखिए। और इधर से हम इसके आर्म होल ले लेंगे, तो ये देखिए इधर से ये मैं इसके 5.5 ले लूँगी। वैसे तो 5 भी ठीक है, मगर लूज लूज रहने से थोड़ा अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और ये अब मैं स्ट्रेट ही रखूँगी और नीचे से मैं सिर्फ इतना, ये जो बॉर्डर है इतना ही छोड़ूंगी फ्रेंड्स, यहाँ तक मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मैं सीधा ही निशान लगाऊंगी। और अब मुझे क्या करना है, इस तरफ भी सेम निशान लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक लूँगी 9 इंची के, 2 पीस करूँगी फ्रेंड्स। और ये मेरी इतने काफ्तान के लिए 9 इंची करेक्ट होता है, इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। और अब हम इसको लगा, ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले पक्का करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, और स्ट्रेट लगा लेंगे। ये मार्किंग इलास्टिक को खींच कर लगाना है फ्रेंड्स, और कपड़े को लूज छोड़ते हुए। ये देखिए लास्ट एंडिंग आ गया है, उसको भी हम पक्का करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। और अब मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए जो स्ट्रेट सिलाई होती है
उसी को ही नीचे तक जो मैंने मार्किंग की थी सेम उसी पे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मेरा रेडी हो गया है कप्तान।